मैंने इमेजेस लिया। अभी यू सैचुरेशन क्या है, कैसे काम करता है, ये मैं पहले बताता हूँ। ओके, फर्स्ट थिंग, यू सैचुरेशन का बहुत यूज़ होता है, स्पेशली कोई भी चीज़ का कलर है वो चेंज करने के लिए। अभी आज का जो टास्क है, इसमें हम लोग जो आई का जो कलर है, ठीक है, ये हम लोग चेंज करेंगे। ओके, तो वैसे ही जब भी मॉडलिंग के फ़ोटोशूट होते हैं, एड्स के फ़ोटोशूट होते हैं, बहुत बार जो हीरो हीरोइन या मॉडल है उसने कुछ और कलर का कपड़ा पहना रहता है फ़ोटोशूट के टाइम पे। उसके बाद जब वो पूरा फ़ोटोशूट हो जाता है, उसका रीटचिंग का जब भी पार्ट आता है, ओके, तो उस टाइम पे उनके जो कपड़े हैं उसका कलर भी चेंज कर देते हैं। तो वो सब कुछ यू सैचुरेशन से चेंज करते हैं। जैसे प्रोडक्ट का कोई भी कलर है, वो कलर के हिसाब से वो दोनों का कॉन्ट्रास्ट है या वो दोनों का कलर के हिसाब से मैचिंग करके जो भी मॉडल है उसका कलर चेंज करते हैं उनके कपड़ों का। ओके, तो ये हिसाब से यू सैचुरेशन का यूज़ होता है। अभी यू एंड सैचुरेशन देखने का आज का टास्क में हम लोग यहाँ से ये चेंज करेंगे। ओके, और यू सैचुरेशन जो है वो एडजस्टमेंट का पार्ट है। ओके, तो अभी फोटोशॉप में जो एडजस्टमेंट है वो दो टाइप का एडजस्टमेंट होता है, एक है इमेज एडजस्टमेंट, एक है लेयर एडजस्टमेंट। अभी ये दोनों में फ़र्क क्या है, मेन तो पहले ये बताऊंगा, बाद में यू सैचुरेशन पे आऊंगा। सो आई प्रेस कंट्रोल जे, एक मिनट के लिए मैंने इसका डुप्लीकेट कर दिया है। ओके, अभी यहाँ से जो है ये पूरा जो है इसको लेयर एडजस्टमेंट कहते हैं। ओके, और यहाँ से जो है, ठीक है, इसको इमेज एडजस्टमेंट कहते हैं। अभी दोनों सेम टू सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है खास, ठीक है, सब कुछ सेम ही है। यहाँ से हम लोग गए ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट लेवल्स, कर्व्स, एक्सपोजर, वाइब्रेंस, यू सैचुरेशन, कलर बैलेंस, सेम चीज़ यहाँ से भी है, ठीक है, ग्रेडियंट है, वाइब्रेंस है, ठीक है, लेवल्स है, कर्व्स है, ब्राइटनेस है, ये सब कुछ मोस्टली सब सेम ही है। तो अभी फ़र्क क्या है, दो दो बार क्यों दिया? ओके, सबके मतलब दिमाग में क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो अभी मैं पहले इमेज एडजस्टमेंट समझाता हूँ। अभी इमेज एडजस्टमेंट क्या है, उसके नाम से ही आप उसका मीनिंग निकाले तो इमेज एडजस्टमेंट मतलब कि एक इमेज के ऊपर कोई भी टाइप का मैंने कुछ भी दिया है, इफेक्ट दिया है, तो सिर्फ और सिर्फ वो इमेज के ऊपर आ जाएगा। ओके, जैसे एग्जांपल, यहाँ से मैं गया और यहाँ से जाके मैंने ऐसे ही जस्ट ऐसे ही चेंज करके ओके कर दिया। ओके, अभी ये मैंने ओके कर दिया तो ये हो तो गया, बट अभी मेन चीज़ कैसा है कि पूरे इमेज के ऊपर हो गया, नंबर एक। नंबर दो, अभी मुझे लगा अरे ये कलर तो गलती से किया, मुझे तो दूसरा कलर लेना था। तो अभी मैं यहाँ से जाऊँगा और यहाँ से यू एंड सैचुरेशन दूँगा तो वो चीज़ आएगा नहीं, मतलब ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है एक तरीके से देखने जाए तो, क्योंकि मैंने कंट्रोलर यहाँ तक लिया था तभी जाके वो कलर चेंज हुआ और मैंने एक बार ओके कर दिया था। इसके बाद मैंने जहाँ पे मेरा कंट्रोलर छोड़ा हुआ है यहाँ पे, वहाँ से नहीं आता है। तो ये इमेज एडजस्टमेंट का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, और जो लेयर सिलेक्ट होता है सिर्फ उसी को वो इफेक्ट करता है। इसके लिए 99% इमेज एडजस्टमेंट हम लोग यूज़ नहीं करते। कभी कभार ज़रूरत गिरा है तो साल में 5 प्रोजेक्ट में एक आध बार ज़रूरत गिरा है तो बात अलग है, बाकी इसको रेगुलर यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। जो भी है नॉर्मली देखने जाए, जैसे ये मैं ऐसे ही नॉर्मल कर देता हूँ, मेरा पहले ही था, ठीक है, तो ये देखने जाए तो यहाँ से हमको नहीं लेना है। सेम इफेक्ट यहाँ से हम करेंगे। ओके, तो अभी यहाँ से आ जाएगा यू एंड सैचुरेशन। अभी मैंने एग्जांपल यहाँ से ऐसे ही जस्ट चेंज किया है, ये एग्जांपल दिखा रहा, ठीक है। अभी कोई आके पीछे से बोला अरे सर ये ऐसा नहीं रखना था, ठीक है, दूसरा कलर चाहिए था, आपने गलत किया है। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे जाऊँगा तो मैंने जहाँ पे कंट्रोलर छोड़ा है वहाँ से ही सबसे पहले वो आ रहा है। पहले यहाँ पे जाते थे तो जहाँ से छोड़ दिया ओके कर दिया, फिर वो जीरो से स्टार्ट होता था, तो उसके सामने ये बहुत बड़ा बेनिफिट अपने को यहाँ पे मिल रहा, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखेंगे तो जहाँ से मैं छोड़ूंगा कंट्रोलर्स वहाँ से ही मुझे मिलेगा, ताकि मैं इसको वापस से एडिट कर सकूँ। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा एक चीज़, अगर ये लेयर के बीच में, अगर बीच में यहाँ पे 10 लेयर है या 50 लेयर है, 100 लेयर है, और हर एक पे अलग अलग चीज़ है, तो भी ये यहाँ पे है तो सबको इफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इसका नाम है लेयर एडजस्टमेंट। ओके, तो लेयर एडजस्टमेंट क्या करेगा, बीच में जितने भी लेयर्स है सबको वो
इफेक्ट देगा। बट अगर मुझे ऐसा दिखाना है कि सिर्फ मुझे सबको नहीं देना है, सिर्फ मुझे तो इसी को देना है, तो उसके लिए भी अच्छे से ऑप्शन दिया है यहाँ से क्लिपिंग मास्क, वो हम लोग आगे सीखेंगे तभी मैं आपको वो बताऊँगा। फिलहाल हम लोग सब लेयर पे नहीं जाएंगे, नॉर्मल एक ही लेयर यहाँ पे रखेंगे, ये सबको डिलीट कर देंगे, ठीक है। बट ये सबके ऊपर इफेक्ट करता है, ये उसका प्रॉमिस है और वो सच में सही है। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये है यू सैचुरेशन। इसमें यहाँ से जो हम लोग यू सैचुरेशन लेते हैं या कोई भी एडजस्टमेंट लेते हैं, तो सब में हमको साथ में मास्किंग का ऑप्शन आता है, ठीक है। ये अलग से मास्किंग का ऑप्शन आता है, जो यहाँ से लेते थे तो इसमें कुछ भी नहीं आता था। इसलिए आप लोग भी जब ये एडजस्टमेंट्स पे काम करो, ये सीखने के बाद देखने के बाद कंपलसरी यहाँ से ही लेना है, आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। ओके, मैं वापस से एक बार यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से जाऊँगा। अभी मैं यू सैचुरेशन क्या होता है ये समझाता हूँ। ओके, अभी यू सैचुरेशन ऐसा कुछ दिखता है। अभी यू सैचुरेशन एंड लाइटनेस, ये तीन ऑप्शन दिए। अभी यू का मतलब क्या होता है, ठीक है, जैसे एग्जांपल किसी का नाम है, कोई भी एक बच्चे का कुछ भी नाम है, चिंटू नाम है, ठीक है, तो फिर उसके दोस्त लोग उसको चिंटी एक्स वाई जेड दूसरा तीसरा चौथा नाम से बुलाते हैं। ओके, तो जो बच्चे का नाम चिंटू है, ठीक है, उसके दो तीन अलग अलग नाम है फ्रेंड ग्रुप में, फैमिली में, अलग अलग जगह पे, कोई चिंटू बुलाता है, कोई चिंटी बुलाता है, कोई चिंटू ही बुलाता है, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, कलर का जो दूसरा जो नाम बोलते हैं, ठीक है, कलर का सेकंड नेम है उसको यू बोलते हैं। यू कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, कलर का सेकंड नेम है, ठीक है। सैचुरेशन, अभी सैचुरेशन क्या होता है, सैचुरेशन मतलब इंटेंसिटी ऑफ कलर, ठीक है, जो कलर का बोलते हैं ना इंटेंसिटी, मतलब कि डार्कनेस लाइटनेस तीव्रता भी बहुत लोग बोलते हैं हिंदी के हिसाब से, मैं जो ट्यूटोरियल ले रहा हूँ तो उसको तीव्रता भी बहुत बोलते हैं। ओके, तो ये इंटेंसिटी ऑफ कलर, तो यहाँ से मैं इंटेंसिटी से उसको डार्क लाइट ये हिसाब से मैं वो कलर का जो पावर है उस चीज़ को आगे दिखा सकता हूँ, अच्छे से बता सकता हूँ। इसके बाद है लाइटनेस, तो यहाँ से मैं आगे जाऊँगा तो फेड हो जाएगा, और यहाँ से पीछे जाऊँगा तो ब्लैक की साइड वो आएगा, तो इसको हो सके तो छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है प्रीसेट्स, प्रीसेट्स में कुछ रेडीमेड इफेक्ट्स दिए रहते हैं। ओके, जैसे अभी ये रेड वाला है, ओल्ड स्टाइल है, तो अलग अलग ऐसे इफेक्ट्स दिए रहते हैं, हो सके तो ये यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमको तो हमारे हिसाब से ही बनाना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल पे आ जाता हूँ। ओके, अभी सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी, तो मुझे इफ़ेक्ट देना सिर्फ आँख को, पूरे बॉडी पे नहीं, तो कैसे काम करने का और कैसे काम नहीं करने का। अभी बहुत लोग क्या करते हैं ये मैं पहले बताता हूँ। ओके, यहाँ से ऐसा जाएंगे, ठीक है, ऐसा करेंगे, अरे सर हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं है। मेरा क्वेश्चन क्या था कि सिर्फ आइज़ का कलर चेंज करो, ठीक है, आपने सबका कलर चेंज कर दिया तो ये यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। तो क्या करना है सिर्फ आँख का कलर चेंज करने के लिए, ठीक है। तो ये मैं नॉर्मल पे आ जाता हूँ। सबसे पहले मैं लेयर्स में गया, ये एडजस्टमेंट्स है, इसको विजिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, ये एडजस्टमेंट्स है, ये लेयर का अभी ज़रूरत नहीं है, मैं डुप्लीकेट निकाल देता हूँ, इसको ओरिजिनल को ऑन कर दिया वापस, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे गया, तो अभी मैं यहाँ से चेंज करूँगा तो सबको चेंज होगा, बट ऑब्वियस है क्योंकि वो यहाँ पे नीचे जो है वो सबको इफेक्ट देगा, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, ये मैं ज़ीरो कर देता हूँ नॉर्मल, ठीक है। अभी मैं यहाँ से गया तो ये नीचे जो है सबको इफेक्ट देगा, बट अपने को आँख को ही देना है, तो मैं क्या कर दूँगा, मास्क कर दूँगा। मास्क क्या होता है, बेसिकली मास्क मतलब एक तरीके से देखने जाए तो एक टाइप का मास्क ही है, मतलब जस्ट लाइक हम लोग एक कोई भी मुस्लिम बहन है, उन्होंने बुरखा पहना है, ठीक है, तो बुरखा पहना है तो उसमें क्या रहता है, जैसा यही इमेज है, जितना पार्ट उन्होंने यहाँ पर विजिबल रखा है, ठीक है, अनमास्क रखा है, उतना ही दिखेगा, बाकी जो भी चीज़ है वो मास्क हो जाती है। तो यही टेक्निक और यही इमेज मास्क के लिए बेस्ट इमेज है, ठीक है। तो यही इमेज को लेके हम लोग इसको मास्क करेंगे। तो अभी मास्क कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं ब्लैक कलर फील करूँगा, ठीक है, तो वाइट का ऑपोजिट होता है ब्लैक,
ओके तो अभी मैं यहाँ पे कंट्रोल आई प्रेस करूँगा, कंट्रोल आई मतलब इन्वर्ट, उसको इन्वर्ट बोलते हैं। आई प्रेस कंट्रोल आई, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल आई प्रेस किया, जैसे ही कंट्रोल आई प्रेस किया है यहाँ पे ब्लैक कलर आ गया। ओके वापस कंट्रोल आई करूँगा तो वाइट आ जाएगा, तो मुझे ब्लैक करना है। ओके तो ये ब्लैक कलर हो गया, अभी मैं यहाँ पे कलर चेंज करूँगा। ओके तो वो कलर चेंज होगा बट दिखेगा नहीं, क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने पूरा मास्क रखा है, अभी तक मास्क में मैंने अनमास्क हाइट कितना रखना है और अनहाइट कितना रखा ये बताया नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं एग्जांपल यहाँ पे ऐसा कलर चेंज कर रहा हूँ तो तुम बोलोगे अरे चेंज नहीं हो रहा है ये क्या, क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने जिसको इंडिकेशन ही नहीं दिया है कि बाबा कितना पार्ट में तुमको कलर रखना है और कितने में नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑल प्रेस करूँगा तो आपको पता चलेगा पूरा ब्लैक है, ठीक है। अभी मास्क को कंट्रोल कर सकते हैं ब्लैक और वाइट कलर के थ्रू, तो अभी मैं वाइट कलर एक्स दबाऊंगा तो यहाँ पे ये कलर फ्लिप हो गया और यहाँ पे वाइट कलर आ गया। अभी मैं यहाँ पे वाइट कलर जैसे ही फील करूँगा तो इसमें वाइट कलर का डॉट यहाँ पे हो जाएगा, मतलब कि उतना पार्ट मेरा अनमास्क हो गया है। बी फॉर ब्रश, मैं फ्लो अभी मे भी कम रखता हूँ या इतना रखता हूँ 70-80 तक, ठीक है। और मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे जाके मैं जूम करके काम करना है, ठीक है। और जूम करके मैं जब भी काम करूँगा तो यहाँ से मैंने एक, ठीक है, कलर, क्योंकि ये कलर क्यों चेंज हो रहा है क्योंकि मैंने ये ज़ीरो पे नहीं रखा है, मैं इसको आगे लेके गया हूँ इसके लिए कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। अभी मैं वापस यहाँ पे आ गया, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक कलर का है इसमें ये वाइट कलर का अनमास्क हो रहा है। अभी ये जितना भी पार्ट अनमास्क है उतने में ही कलर चेंज होगा, बाकी का कलर चेंज होता है बट वो मास्क की वजह से दिखता नहीं है, उधर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अभी हम लोग वापस रेगुलर पे आ जाएंगे, ओके। और अगर गलती से कलर चेंज कर रहा है, एग्जांपल ऐसा बाहर चला गया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया बाहर गया, अभी मुझे इसको निकालना है तो ब्रश मैंने छोटा कर दिया साइंस के हिसाब से, आई प्रेस एक्स मतलब ब्लैक कलर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ब्रश घुमा दिया है तो ये हम लोग देखेंगे तो बहुत अच्छे से इतना पार्ट उसने वापस मास्क कर लिया। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जिससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, अभी हमने एक ही आँख का अभी तक किया है मास्किंग, अभी मैं यहाँ पे दूसरी आँख पे जाऊँगा तो मैं यहाँ पे वापस वाइट कलर लूँगा। ब्लैक से देखने जाए तो मास्क होता है, वाइट कलर से वो अनमास्क होता है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही घुमा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है, ये मैंने अच्छे से घुमा दिया, ओके, और ये कलर चेंज हो गया। अभी बहुत लोग पूछते हैं मुझे और बहुत लोग को ये मन में क्वेश्चन होगा कि सर ये ब्लैक कलर है ये कलर क्यों चेंज नहीं हो रहा है, वाइट चेंज नहीं हो रहा है। देखो अभी कलर के हिसाब से देखने जाए ना तो 7 कलर जो है रेनबो के उसको मिक्स करते हैं ना तो वाइट कलर बनता है, ठीक है। और तो वाइट कलर है ना सुपीरियर कलर है और ब्लैक कलर है ना वो भी अपनी साइड दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, उसकी वजह से एक लेफ्ट साइड पे सपोज एक राइट साइड पे। तो बाकी के दुनिया के जितने भी कलर है ना ये सब कोई कलर है ना वो बीच में आते हैं ये दोनों के, ठीक है। तो अभी ब्लैक के बाद कोई कलर ही नहीं है दुनिया में और वाइट के बाद कोई कलर नहीं है, दोनों सुपीरियर है अपनी अपनी जगह पर। इसके लिए यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर वाइट के ऊपर मैं कितना भी करूँगा चेंज नहीं होगा। इसलिए अगर किसी ने तुमको ब्लैक वाइट कलर का गाड़ी दिया है और बोला इसका कलर चेंज करो, ऊपर से नीचे गिर जाते हैं तो भी कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि वो चीज़ सुपीरियर कलर है। ये चीज़ बुक में नोट डाउन आप कर लेना कि ब्लैक और वाइट कलर कभी चेंज नहीं होते, ठीक है। ये ब्लू का ग्रीन, ग्रीन का ऑरेंज, ऑरेंज का पिंक, रेड, हमको जो कलर करना है वो हम कर सकते हैं पर ब्लैक और वाइट को नहीं कर सकते, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे ऑयल प्रेस करूँगा तो हमको पता चलेगा, ये मैंने ऑयल कर दिया कि ये बहुत अच्छे से दो आँख का जो पार्ट था ये अच्छे से हो गया, मैं ये नहीं चाहिए तो इसको मैंने निकाल दिया, ठीक है, एक्स दबा के। तो अभी ये दोनों चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो अनहाइड है, ओके, इसके लिए ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। ओरिजिनल ऐसा था कुछ, ये मैंने यहाँ से चेंज किया, अभी ये सिर्फ कलर चेंज किया। अभी मैं इंटेंसिटी अगर चेंज कर रहा हूँ
ये ज़्यादा करूँगा तो डार्क हो जाएगा, लाइट करूँगा तो मे बी यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट होगा, तो इतना इतना नहीं खेलना है। ओके ये आपका इतना है तो इसको थोड़ा आगे लेके जाओ। ओके वो देखने लायक लगे, एक मास्टरपीस बने, वो चीज़ का हमको ध्यान रखना है। ओके कोई किसी को डराना नहीं है कि हाई एंड इंटेंसिटी करके रेड कलर का हाई कर दिया, ठीक है ऐसा नहीं करना है। तो ये बहुत बेसिक और बहुत अच्छे से ये हम लोग आई का कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये ह्यू सैचुरेशन का एक पहला पार्ट था कि ये हिसाब से हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद और एक